नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज यूपी। पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक इंसान एक अच्छी सी नौकरी की तलाश करता है ताकि वो अपने जीवन में पैसे कमाकर अपने सपनों को जी सके। पैसा इस युग में उतना ही कभी कभार जरूरी लगने लगता है जैसे कि आपकी सांसें। पैसा ऐसी चीज है जिसके आने से आपका जीवन बदल जाता है। पैसे के लिए लोग ना जाने क्या क्या करते हैं, कड़ी मेहनत से लेकर भाग दौड़ तक। तो वहीं कुछ ऐसे भी नटवर लाल होते हैं जो बिना कुछ किए बस अपनी जेब भरना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ इन जनाब को भी सूझी, तो इन्होंने कोरोना संकट में जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनका चालान काटने के लिए खुद ही खाकी वर्दी पहन ली। खाकी वर्दी भी किसी सिपाही की नहीं बल्कि एक दारोगा की, और फिर पकड़ लिया एक नाका और वहीं खड़े होकर काटने लगे चालान। रोब ऐसा कि मानो दरोगा नहीं कोई एसपी साहब खड़े हों, जिसे देखकर आम जनता को शक तक नहीं हुआ। ये नटवर लाल मास्क ना पहनने वालों का 500 रुपए का चालान काटते रहे और ये 500 रुपए सीधा इन भाई साहब के प्राइवेट अकाउंट में, जिस पर सिर्फ और सिर्फ इन भाई साहब का अधिकार है, उसमें जाने लगे। रोजाना के ऐसे 100 बकरे भी मिले तो इन भाई साहब की जेब में रोजाना के 50,000 रुपए पहुंच गए। इतना तो ये किसी जॉब में भी एक दिन में नहीं कमा सकते। लेकिन अच्छे समय के बाद बुरा समय भी आता है, जैसा कि अब इनका आ चुका है, क्योंकि इन पर जब एक होमगार्ड की नजर पड़ी तो वो भी हैरान रह गया। सीधा थाने पहुंचा और सिपाहियों से पूछा कि क्या थाने में नए दरोगा आ गए हैं, जिस पर सामने खड़े खुद दरोगा साहब चौंक उठे और फिर पूरा माजरा जानने के लिए नए दरोगा से मिलने पहुंच गए। 2 स्टार लगाए दरोगा की वर्दी में नटवर लाल लोगों का चालान करके 500-500 रुपए जुर्माना वसूल करने में व्यस्त था, और कब असली पुलिस आ गई उसे इस बात का पता तक नहीं चला। चौकी प्रभारी ने उसके पास जाकर कहा, हमारा भी चालान काट दो साहब। तो वसूली में व्यस्त वर्दीधारी की नज़र उन पर पड़ी और फिर नकली पुलिस के सामने असली पुलिस खड़ी हुई नजर आई, जिसे देख उसकी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई और वो वहीं गिड़गिड़ाने लगा और अपना जुर्म कबूल कर माफी मांगने लगा। पुलिस ने थाने लाकर पूछताछ की तो पता चला कि इस नकली दरोगा ने अपना नाम लखन सिंह बताया है, जो कि मूल रूप से अलीगढ़ का रहने वाला है और काफी समय से बरेली में ही रह रहा था। पैसे की लालच में उसके दिमाग में ये तकरीब ढूंढी और वो मास्क न पहनने वालों का चालान करके अवैध वसूली करने लगा। तो वहीं जांच में यह भी निकल कर आया कि लखन सिंह एक चोर है, जिसके पास से बरामद की गई ब्रेजा कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई थी और पुलिस इसकी लिस्ट खंगाल रही है ताकि इसे इसके किए की सजा मिल सके। ग्राम गंगानगर चौकी है, वहां पे डोहरा रोड है, वहां पे एक व्यक्ति के द्वारा फर्जी दरोगा बनकर मास्क की चेकिंग की जा रही थी, जिसमें वहां पे वाहन स्वामी और दुकानदार से 500-500 रुपए वसूल किए जा रहे थे। जो स्थानीय लोग थे, दुकानदार थे, उनके द्वारा थाना बिक्री पर थाना पुलिस को सूचना दी गई कि इस तरीके की यहाँ पे कोई अवैध उगाही हो रही है। उस सूचना पर यकीन करते हुए पुलिस एवं अपने मुखर तंत्र के द्वारा काफ़ी अच्छा प्रयास किया गया और इस प्रयास के बाद आज उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। उस व्यक्ति से जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसका नाम लखन सिंह है और वह मूल रूप से जनपद अलीगढ़ का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में जनपद बरेली में निवासरत है। उस व्यक्ति के कब्जे से एक ब्रेजा गाड़ी बरामद हुई है, जो कि पूछताछ के दौरान पता लगा और उसकी जब जानकारी की गई तो पता लगा कि यह गाड़ी जनपद गौतम बुद्ध नगर से चोरी की है। यह व्यक्ति उस गाड़ी का यूज करके उसके पुलिस कलर, पुलिस स्टिकर और नीली पत्ती लगाकर इस तरीके की घटना को अंजाम देता था। हम इसमें अब गहन छानबीन कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं उस व्यक्ति से कि उस गैंग में और भी कोई व्यक्ति शामिल है और जनपद बरेली एवं अन्य जनपदों में क्या इस तरीके की पहले भी उस घटना को अंजाम दिया है। आप भी सावधान रहें और कभी भी ऐसे रास्ते पर ना निकलें। कैसी लगी आपको ये खबर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए अब आप भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीके न्यूज यूपी, धन्यवाद।